So if you're born on 14th of any of the months, then you are governed by three numbers, 1, 4 and 5. 1 जो है वो सन का नंबर है, 4 राहु का नंबर है, एंड टुगेदर दे सम अप टू नंबर 5 व्हिच इज मर्करी. तो आप जो है ऐसे वाले लोगों के अंदर देखेंगे कि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड, डिसिप्लिन, मल्टी टास्किंग इनका एक असेट है. इकट्ठे जो है ये काफ़ी सारे काम कर सकते हैं. मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगती है इनके अंदर कि ये चाइल्ड लाइक एनर्जीज होती है इनमें. यानी कि एक बच्चा जैसे सुबह उठ जाता है ना और शाम तक किसी ना किसी चीज़ में उलझा रहेगा, और दिन के किसी भी टाइम उसको हिला के देख लो वो पूरे जोश से भरपूर रहेगा. उसी तरीके से नंबर 14 वाले लोग भी दिन के किसी भी टाइम में आपको हमेशा एक्टिव नजर आएंगे, किसी ना किसी काम में ये उलझे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे. अगर ये खाली भी बैठे हैं ना तो भी ये फोन पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जो है वो ढूंढ ही रहे होंगे, या अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखते हैं. एक और बहुत खूबसूरत बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि ये दरिया दिल होते हैं, हर शख्स के लिए सब कुछ करना जानते हैं. जैसे कि सूर्य है ना, कि सन का काम है कि रोज निकलना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम लोग ग्रैटिट्यूड रखें या ना रखें कि सूर्य के कारण हमें रोशनी मिल रही है. उसी तरीके से नंबर 14 वाले लोग भी, कि कोई इनके लिए थैंकफुल है या नहीं है, ग्रैटिट्यूड शो करे या नहीं करे, ये इसे अपनी जिम्मेदारी की तरह उनके लिए निभाना चाहते हैं. किसी नंबर 14 वाले शख्स को जानते हैं तो टैग करना मत भूलिएगा. और अगर आप खुद नंबर 14 हैं और यू बॉर्न ऑन 14th, गिव मी अ स्माइली.